दोस्तों, मैं हूँ गौरव और ये हमारा चैनल साइंटिफिक फैक्ट्स। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे खूनी दास्ता के बारे में, जो कि हुई थी संडे को। वैसे तो हर कोई संडे को एक फंडे मानता है, मगर ये जो खूनी दास्ता संडे को जिसने जगह ली, उसे आज तक माना जाता है ब्लडी संडे। और यही एक कारण है कि इसे नाम दिया गया ब्लडी संडे। तो अगर आपको जानना है कि संडे को किस तरह से खराब किया गया और ब्लडी संडे बना दिया गया, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वैसे भी आधा अधूरा ज्ञान सबसे हानिकारक होता है। सो स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, यूं तो संडे को फंडे माना जाता है, क्योंकि इस दिन हर कोई बीच में जाता है और कैश ऐश करता है, और दिन छुट्टी भी होती है, तो और कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन एक संडे यानी कि फंडे को बना दिया गया ब्लडी संडे। आखिर क्या हुआ था उस संडे के दौरान, जो से खूनी शनिवार नाम दिया गया एक फंडे को ब्लडी संडे बनाने की दास्ता, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बात सब चालू हुआ था, ये हुआ था 1905 रशियन रिवॉल्यूशन के दौरान। और ये सब ये जो दिन आया था, ये दास्ता दी थी यूनाइटेड किंगडम में 30 जनवरी 1972 के दौरान, जहां पे डेरी के एक बॉक्साइड एरिया में वहां के सिविलियंस के ऊपर ओपन फायर कर दिया था ब्रिटिश सोल्जर्स ने। और वहां पे ऑर्डर दिया गया था ब्रिटिश सिपाहियों के द्वारा कि वहां पे जितने भी प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं इंटरमिनेंट के खिलाफ, उन पे जाके ओपन फायर कर दो। और बदकिस्मती से वहां पे 29 लोग मौजूद थे जिनके खिलाफ ओपन फायर कर दिया गया, और ब्रिटिश सोल्जर्स ने बेरहमी से उनके ऊपर ओपन फायर किया, जिसमें से कि 14 लोग मौत के घाट उतार दिए गए और 15 से भी ज्यादा लोग वहां पे जख्मी हो गए। वहां 14 लोग जिन्हें मौत के उतारा गया था, उसमें से 13 में से जो एक बचे थे, एक महीने बाद उनकी डेथ हुई थी, क्योंकि उन्हें बहुत